wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel right. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Take one. Action. तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। अभी हम लोग हैं गांधी घाट के पास। Roll sound. Sound production take two. Action. तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। अभी हम लोग हैं गांधी घाट के पास। गांधी घाट से हम लोग अभी एक आइलैंड पे जाएंगे इस बोट के जरिए। इस बोट का किराया अराउंड 50 रुपीज। जैसे ये आप जो नाव देख रहे हैं, ये आपको एक आइलैंड पे लेके जाएगा। आने जाने का दोनों का खर्चा आपको 50 रुपीज़ पड़ेगा। आप पे कोई भी बोट से आ भी सकते हैं, कोई भी बोट से जा सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि आप जिस बोट से आए हैं उसी बोट से आपको जाना है। तो और आइलैंड पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। ये लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था इस बोट का व्यू, जिसका प्राइस था अराउंड 150 रुपीज़। तो चलिए चलते हैं हम लोग इस बोट पे। फाइनली हम लोग ये मिनी आइलैंड पे पहुंच गए हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा चारों यहाँ पे दुकान उकान भी लगाया गया है। आपको पूरा गोवा वाला फीलिंग मिलेगा यहाँ पे। वैसे कोई टाइम लिमिट है नहीं। अगर आप छोटे बोट से आते हैं तो मात्र 50 रुपये आपका लगता है। आना जाना आप किसी भी टाइम जा सकते हैं। 6 बजे तक इसका टाइमिंग रहता है, 6 बजे तक आता जाता रहता है। तो आप किसी भी बोट से आ जा सकते हैं। तो चलिए चल के और एक्सप्लोर करते हैं इस मिनी आइलैंड को। और जैसा कि आप देख सकते हैं, चारों दुकानों में हर चीज़ की खाने की आपको फैसिलिटीज़ है। खाना पानी सब आपको मिलेगा। तो अगर आप अपने साथ खाना लाए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी लेके आप पिकनिक बना सकते हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो अगर आप ये बीच पे आते हैं तो थोड़ा साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आप पिकनिक मनाते हैं तो कचरा ऐसे गंदगी नहीं फैलाइए। जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कैसे कितना कचरा फैला हुआ है यहाँ पे। तो लोग आते हैं पिकनिक मनाते हैं और कचरा यहीं पे छोड़ देते हैं। तो इसका ज़रूर ध्यान दें आप लोग। अगर हम लोग साफ़ सफाई का ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा। तो अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरे एक सब्सक्राइबर मिले हैं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो हेलो गाइस, मैंने भाई का सारा वीडियो देखा है, मैंने भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो भाई जो है बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, आप लोग भी जाइए और वीडियो देखिए। भाई का मैंने एक क्रूज वाला वीडियो देखा था, वो वीडियो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भाई का जो चैनल है आप जाकर के सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों हमारा एक टेक्निकल चैनल है धमाका टेक करके, आप लाइन पे प्लीज जाकर के उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। तो आप देख सकते हैं पूरा आपको रेत ही रेत यहाँ पे मिलेगा। पूरा आपको मिनी गोवा वाला फीलिंग आएगा आपको। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में। तो अगर आप आएँ तो एटलीस्ट यहाँ पे तो आपको घूमने ही में 1-2 घंटा लग जाएगा यहाँ पे। बहुत सारे लोग, क्योंकि ऐसा टाइम लिमिटेशन तो है नहीं। तो हम लोग अभी उधर चलते हैं, उस टापू पे चलते हैं। और लास्ट टाइम मैं आया था तो उस टापू पे गया था। उस आइलैंड पे फिलहाल अभी कुछ है नहीं, ऐसा शॉप वगैरह नहीं है। अभी मैं फिलहाल पानी में जा रहा हूँ, देखता हूँ कि अंदर कितनी गहराई है। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। Hey, yo.